हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त कुणाल कुमार। बार बार आता रहूंगा, आपके दिलों में जोश जगाता रहूंगा। हेलो। हेलो। यस हाँ जी, दीपक जी कॉल डिस्कनेक्ट मत कीजिएगा, मेरी बात सुन लीजिएगा मैडम। ठीक मैं है सर? दीपक डिस्कनेक्ट कब सैनी जी करता बात। हूँ मैडम? मैं डिस्कनेक्ट कब करता हूँ? मैं तो बात करता हूँ, आप बात करिए। हाँ जी सर, दीपक जी बात कर रहे हैं ना आप? कंफर्म? दीपक जी बात कर रहा हूँ, कन्फर्म। जी सर, आरबीएल बैंक के भी आपसे अर्चना बात कर रही हूँ, रिकॉर्डेड लाइन से। सर्विस कॉल अर्चना आपके क्रेडिट कार्ड के रिगार्डिंग। ठीक है सर। सर आपकी ना 3 मार्च ड्यू डेट थी, उसके अकॉर्डिंग आपने जो अपना ना अमाउंट सबमिट किया बैंक पे, वो 22,000 का अमाउंट आपका रिसीव हुआ है बैंक को। हाँ मैडम ठीक है बताइए। सर जी। तो आपका ना अभी 122 रुपए का अमाउंट शॉर्ट रह गया है, जिसकी वजह से ना आपका अकाउंट रिजॉल्व नहीं हो रहा है। अगर आप 122 रुपए का अमाउंट पे कर देते तो एटलीस्ट आपका ये अमाउंट रिजॉल्व हो जाता और अपना जितना भी अमाउंट आपने पे किया उस पर इंटरेस्ट सेव कर पाते सर। मैडम कौन से किस चीज का है? सर आपका आरबीएल का जो क्रेडिट कार्ड है उसकी बात कर रही हूँ सर मैं। मैडम ये तो पैसे मैं दे नहीं पाऊंगा। क्यों सर, रीजन बता देंगे आप? मैडम रीजन यू, क्योंकि ये ना सबके कार्ड के सेटलमेंट करूंगा मैं। ओके जी। तो बट सर देखिए, बताना चाहूंगी, आप सेटलमेंट कराएंगे कोई इश्यू नहीं है, बट अभी तो इस मंथ ना आपका बिल जनरेट हो चुका है ना, तो इस मैडम मंथ आप सेटलमेंट की जब सेटलमेंट करूंगा तो काय को पैसे दूंगा मैं? तो सर सेटलमेंट आप करेंगे कोई इश्यू नहीं है, पर आपने जो इस महीने 22,000 का अमाउंट दे दिया उसमें रेस्ट अमाउंट की वजह से आपका इंटरेस्ट लग रहा है, उसका तो कोई बेनिफिट नहीं है ना सर। मैडम आप इंटरेस्ट तो लगने बाईस दो, इंटरेस्ट लगने दो इसका ना, मैं सेटलमेंट करूंगा तभी देखूंगा जो होगा। सर आप मान समझने की कोशिश कीजिए, आप सेटलमेंट करा लीजिएगा कोई इशू नहीं। अगर आपको कोई इशू है फंड का हो या क्या हो, उसके लिए आप सेटलमेंट करा लीजिएगा, उसके लिए मैं डिनाई नहीं कर रही हूँ। पर सर क्या होता है, मैं आपको बता देती हूँ, जब तक आपका जो आपका बिल जनरेट हो चुका होता है वो क्लियर नहीं होता, तब तक आप ना सेटलमेंट की रिक्वेस्ट जनरेट नहीं कर सकते। अगर आपको कोई इशू है तो आप इसके रिगार्डिंग अच्छा सर मैडम पे भी। अच्छा मैडम आपने जी डीआरए डीआरए किया आपने? बिल्कुल सर, डीआरए किया है, तभी मैं आपको बता रही हूँ सर। ओ मैडम, मैडम आपने मुझे कुछ नई नॉलेज दी है जो मुझे आज तक नहीं पता चली, क्योंकि मैं पिछली सर, एजेंसी में तो अगर जब मैडम मैं पिछली एजेंसी में टीएल था, मैनेजर बनने वाला था, वो मैंने छोड़ दी थी जॉब। मुझे आज तक मैडम ये नॉलेज ठीक है सर, मिली जो आपने दी है। पर सर आपका जो केस है वो रिकवरी में नहीं है ना सर, आप इस चीज को अंडरस्टैंड कीजिए। अगर आपको ओ, टीएल मैडम, थे, तो नहीं आप मैडम वो अंडरस्टैंड जो कर है ना गलती हो गई ना मुझसे। मैं सोचता था रिकवरी के जैसे रिकवरी में हिसाब होता है वैसे ही होता होगा। बेटा मैडम कहाँ है, कलेक्शन डिपार्टमेंट में कहाँ पर है? क्या कह रहे हैं सर? मैडम ये केस कहाँ पर है? कलेक्शन डिपार्टमेंट में है, बैंक के सिटी अंदर सिटी कलेक्शन में है, सिटी कलेक्शन एजेंसी में है। और आपका अभी आपका जी अभी आपका बकेट में नहीं है केस, उससे पहले है। अगर आपका पेमेंट नहीं रिजोल्व होगा सर इस महीने, तो आपका नेक्स्ट मंथ बकेट में चला जाएगा। मैडम इसको ना बकेट 6 या 7 में जाने दो, ठीक है? देखिए सर, 122 रुपए के लिए तो आपको कोई बेनिफिट नहीं है ना सर, आप इस चीज को अंडरस्टैंड कीजिए ना सर। मैडम मैडम सिर्फ आउटस्टैंडिंग कितना है? आउटस्टैंडिंग सर आपका जो आउटस्टैंडिंग आ रहा है वो 3,21,995 मैडम रुपए का है। 3,21,985 रुपए है ना, सारी बात उसकी है जी, उसकी। आप इस पर आरटीपी डाल दो, डिस्पोजिशन में लिख दो कस्टमर इंटेंशनली नॉट पे। सर मेरी बात सुनिए, आपका जो बैलेंस है, स्टेटमेंट बैलेंस है, वो 2,45,308 रुपए का है। ठीक है सर, आपका जो स्टेटमेंट बैलेंस है वो 2,45,308 रुपए का है। आपने 12 तारीख को अगेन कार्ड यूज किया है, जिसकी वजह से आपका ये अमाउंट 3,21,395 रुपए का हुआ है। मैडम जी, मैडम इस पे ना आरटीपी डाल दो और डिस्पोजिशन में लिख दो कस्टमर इंटेंशनली डज नॉट पे। तो सर मुझे बताइए ना कि क्यों इंटेंशनली आप पेमेंट नहीं करना? मैडम मनी नहीं करना ना देने का, पता नहीं क्यों मैडम अंदर से ही ना ये इंटेंशन जो नाम का कीड़ा है ना, दे नहीं दे रहा पैसे, मने करे जा रहा है, मने करे जा रहा है। सर देखिए, आप इस चीज को अंडरस्टैंड कीजिए ना, कि आप तो इन टर्म्स को समझते होंगे ना सर। आपने इतनी आपने जब आप कह रहे हैं कि आप ऑलरेडी टीएल रह चुके हैं, तो आप तो इन टर्म्स को समझते होंगे ना, कि आपका सिर्फ इतने छोटे जहां आप इतना अमाउंट पे कर सकते हैं, 22,000 भी तो आप ही ने पे किया ना सर, हर महीने पेमेंट आप करते हैं सर। मैडम पेमेंट ना, अब पहले मेरा मन करता था दे दो, लेकिन अब मन नहीं करता ना देने को, पता नहीं क्या हो गया मेरे मन को, ये मानता ही नहीं, देने को कहता ही नहीं, मने करता है। सॉरी माफी चाहती हूँ मैडम, आपकी ना आपकी आप मैडम मैडम सुनो मैडम सुनो, आपकी बात कराता हूँ अपने मन से। मैडम इससे बात करो, मैं समझाओ, ठीक है? ले मेरे मन आप ही समझेंगे सर, सर आप ही हेलो समझेंगे और कोई नहीं हेलो समझेगा। हेलो
मैं इसका मन बोल रहा हेलो, हूँ, मैं इसका मन बोल रहा हूँ। हाँ, कौन से बैंक का कार्ड था ये? क्या कह रहे हैं सर? मैं इसका मन बोल रहा हूँ, कौन से बैंक का कार्ड है ये? सर आरबीएल का ही कार्ड है और आप भी आरबीएल का कार्ड है। समझेंगे आप। हाँ तो मैं इसका मन बोल रहा हूँ। ऐसा है ना, मेरा ना देने का मन नहीं है, मेरा भी एक मन है, इसके मन का भी मन है, मेरा देने का मन नहीं है। इसका पेमेंट ना मैं इसे करने नहीं दूंगा, मैंने इसे रोक रखा है। सर मैं आपकी बात समझ रही हूँ कि आपका मन नहीं कर रहा है देने के लिए। आप पर एक बात बताइए सर, 22,000 भी तो आप ही के मन ने ही पे करा है ना, और आप ही ने पे करा है। अरे ये मैंने गलती से पे कर दिया था, उस समय मेरा जो मन है ना, मतलब इसके मन का मन, उसने हाँ कर दी थी, मैंने कहा दे दो। अब जो मेरा मन है यानी इसके मन का मन, तो वो मन है कर रहा है देने को, तो अब मैं ना ये पेमेंट दूंगा नहीं, इसे करने ही नहीं दूंगा। जैसे ही पेमेंट करने को कहता है मैं इसे रोक लेता हूँ, मैं इसके हाथ पीछे कर लेता हूँ, क्योंकि मैं इसका मन हूँ, इसका इंटेंशन जो है ना बनने नहीं देता मैं। देखिए सर आप चीज को समझने की कोशिश कीजिए, सिर्फ आप मैडम समझो, आप मैडम समझो आप, ये जो है ना ये टीएल तो था किसी समय, ये सुनो मैडम, ये टीएल था किसी समय, लेकिन इसका जो कंट्रोलर हूँ ना वो मैं हूँ, यानी इसका समझ लो इसका हेड हूँ मैं, इसका मन। तो मैडम मैं ऐसे नहीं करने दूंगा। सर आप रीजन बताएंगे कि आप चलने क्यों नहीं देंगे आप इसको? क्योंकि मैडम मैं मना कर रहा हूँ ना इससे, इसलिए। देखिए सर मन से चीजें नहीं चलती ना, मैं आपकी चीजें जो है टर्म्स और कंडीशन से चलती है, और मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप एटलीस्ट, ये मेरे पास केस आपका आया है तो आप प्लीज मेरे कहने पे, आई रिक्वेस्ट टू यू। तो मैडम मैं इसका मन आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि जब इसने डीआरए किया था ना तो इसके साथ मैं भी पढ़ लिया था, तो मैं इसका मन यानी मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ मैडम, मुझे ना आप लीगली में घसेट लो या कुछ करो, लेकिन मैं ये पैसे देने नहीं दूंगा। देखिए कुछ बेनिफिट सर उसका, देखिए कोई बेनिफिट नहीं हो पाएगा ना, आप इतना मतलब इतने छोटे से अमाउंट के लिए आप ऐसी बात कर रहे हैं। आप वैल्यूएबल कस्टमर है, 2018 से आप कार्ड यूज कर रहे हैं और उसके बाद आज आप ऐसी बात करेंगे तो कैसे होगा सर? क्या करूं मैडम, मैं ऐसे देने ही नहीं दूंगा पैसे, मैंने इसे रोक के रखा हुआ है। क्या देने ही नहीं दूंगा मैं ऐसे पैसे, मैंने इसे रोक कर। मैडम होल्ड करो, एक मिनट होल्ड करो। क्या कह रहे हैं सर? हेलो 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 हाँ हाँ मैडम, हाँ जी। वो मैडम जो है ना, मैं ये जरा चला गया था ना, तो मैं क्या इसके साथ जाना पड़ता है ना इसका मन में, अब बात करते। तो मैडम इस पे ना आप कुछ भी कर लो, मैं पैसे नहीं देने दूंगा इसे। सर आप मेरे को ना देखिए, ठीक है मैं आपकी बात सारी समझ रही हूँ कि आपका मन नहीं कर रहा है, पैसा देना नहीं चाहते, आप मत दीजिए, मैं उसके लिए आपको बोलूंगी नहीं, फोर्स ही नहीं करूंगी पैसे के लिए। आप मुझे ये बताएंगे कि आप ऐसा कर क्यों रहे हैं? मैडम मन नहीं, मैं ऐसे देने नहीं दे रहा ना, मैं ऐसे देने ही नहीं दूंगा, मैं बोल तो रहा हूँ मैं इसका मन हूँ मैडम, मैं इसका कंट्रोलर हेड हूँ। ठीक है मैं आपकी बात समझ रही हूँ सर, मेरा मन भी नहीं है कि मैं खाना नहीं खाऊंगी, ठीक है, पर मुझे भूख तो लगेगी ना सर। कोई नहीं मैडम, एक काम करो मैडम, मैडम आपका जो मन है ना बहुत प्यारा होगा, आप एक काम करो उससे मुझे मिलवाओ, जैसे मैं इसका मन हूँ ना वैसे ही आप जो है ना मुझसे अपने मन को मिलवाओ, फिर मैं मनाता हूँ, मैं खाना खिलवाता हूँ। सर एक बात बताइए, जैसे आप मेरे मन को खाना खिला देंगे समझाकर, तो मैं क्या आपके मन को नहीं समझा सकती? मैडम नहीं समझा पा रही ना आप, मुझे समझा ही नहीं सकती, मैं इसका मन बोल रहा हूँ, मैं ये पेमेंट दूंगा ही नहीं। सर सिर्फ आपसे मैं इतनी रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप मेरे कहने पे सुन लीजिए सर। हाँ मैडम चलिए पहले आप बोलिए। जी आपसे मैं पर्सनली रिक्वेस्ट कर रही हूँ सर कि सिर्फ 122 रुपए की पेमेंट के लिए आप अपने मन को समझा लीजिए, क्योंकि जहाँ आप 22,000 का इतना बड़ा अमाउंट पे कर सकते हैं ना सर, तो 122 तो आपके सामने कुछ भी अमाउंट नहीं है। इसे इसे देखो मैं तो समझूंगा नहीं इसका जो दूर की रही, मैं मैडम मैं ये कह रहा था आपकी आवाज इतनी प्यारी है तो आपके मन की भी आवाज बहुत प्यारी है मैडम, मुझसे एक बार मिलवाओ तो सही उसे। देखिए सर अगर आपको मेरी आवाज इतनी प्यारी लग रही है तो आप मेरे कहने पे सर एटलीस्ट मेरे वर्ड की तो वैल्यू रखवा दीजिए, आपके मेरे हैंड में मैंने आपका केस लिया है कि मैं आपका केस किसी ना किसी तरह डिसॉल्व करा दूंगी, तो एटलीस्ट मेरे कहने पे ही करा दीजिए, अगर आप इतना ही मुझे वैल्यू मैडम आपने तो आप मुझसे पहले कंफर्म तो कर लीजिए मैं कस्टमर कौन हूँ, मुझे मैं पहले किस पोस्ट पे काम करता था, आपने हाँ क्यों कर दी? जी मैडम इसे मेरे को ना अपने मन से मिलवा दो मैडम, लग रहा है बहुत प्यारा होगा आपका मन मैडम प्लीज। तो सर आपका बात करने से आपको अगर मेरा मन सही लग रहा है तो उसी की रिक्वेस्ट कर लीजिए सर, उसी की वैल्यू दे दीजिए मुझे, इतना मेरे कहने पे आप इतना तो कर सकते हैं ना सर। मैडम ये तो मैडम आप बोल रही हो, मैडम ये तो आप बोल रहे हो, आपके मन से तो बात कराओ जैसे मैं करा रहा हूँ ना अपने मन से। और मेरा दिमाग यानी मैं सर मेरा मन सुन लीजिए सर, मेरा मन और मेरा दिमाग दोनों एक ही बात करते हैं,
और फिलहाल मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ अपने मन और अपने दिमाग से कि आप मेरे कहने पे इतना अमाउंट कर दीजिए। अगर आपको मेरी बात करने का स्टाइल अच्छा लग रहा है, मेरी बात की इतनी सी बात की वैल्यू रख लीजिए, एटलीस्ट मैं भी हैप्पी हो जाऊंगी कि आपने मेरे कहने पर, आप किसी के कहने पे अपने मन को नहीं समझा पा रहे थे पर आपने मेरे कहने पे अपने मन को इतना समझा लिया कि जहां 22,000 रुपए का अमाउंट पे कर पा रहे हैं वहां पे सिर्फ 122 रुपए का अमाउंट मेरे मन मेरे मैडम मैं ना मैं ना अभी मैडम रुको रुको मैडम मैं अपने मन से पूछता हूँ। पेमेंट करने को मैडम हाँ मैडम मैंने आपको समझाया ना, मैं इसका फिर से मन बोल रहा हूँ मैडम, मैं ये पेमेंट नहीं दूंगा। आप कितना भी रिक्वेस्ट कर लो, कितना भी कर लो, मैं ये पेमेंट नहीं दूंगा। सर आपकी वॉइस ब्रेक होगी, कुछ भी क्लियर मैडम मैं बोल रहा हूँ कि मैं इसका मन बोल रहा हूँ, मैंने इसके हाथों से फोन ले लिया। आप मुझे कितना भी समझा लो, कितना भी कुछ बोल लो, ये पेमेंट मैं दूंगा ही नहीं। सर मेरे को यही तो रीजन जानना है ना कि आप मुझसे इतनी बात कर रहे हैं पर आप मुझे एक्चुअल पॉइंट अपना बता ही नहीं रहे जी। मैडम मेरा ना मेरा यानी मेरा और मेरे मन का यानी मैं इसका मन बोला हूँ, मेरा भी एक मन है तो वो देने को राजी नहीं है, तो मैं दूंगा ही नहीं, मैं इसे देने ही नहीं दूंगा पैसे। तो सर आप वही घूम फिर के एक ही बात चाह रहे हैं पर जो आपको एक्चुअल बात आप मुझसे करना चाह रहे हैं ना बट वो कर ही नहीं रहे हैं कि आप मुझे बता ही नहीं रहे कि आप ये पेमेंट करना क्यों नहीं कर रहे। मैडम एक्चुअल बात करने को मैडम आपसे क्या बात करूं, एक्चुअल आप गर्लफ्रेंड थोड़ी हो। एक्चुअल बात मैडम बता दी मैंने आपको, मैडम मन यानी मैं इसका मन बोल रहा हूं और मेरा भी एक मन है, वो मन कर रहा है पैसे देने को, देने को राजी नहीं है तो मैडम मैं इसको पैसे देने नहीं दूंगा। तो सर क्यों आपने 22,000 की पेमेंट भी क्यों की थी सर, अगर आपको एक तो मैडम उस समय मैं यानी इस समय मन बोल रहा हूँ और मेरे मन ने हाँ कर दी थी तो मैंने इसके हाथ आगे बढ़वा दिए थे, लेकिन अब मैं इसका यानी मैं इसका मन बोल रहा हूँ और अब मेरे मन ने मना कर दिया तो मैंने इसके हाथ पीछे करवा दिए। तो सर अपने मन को ही समझा लीजिए, मेरे खातिर ही समझा लीजिए कि मैं आपसे इतनी बात कर रही हूँ और आपको लग रहा है कि वैल्यू है तो एटलीस्ट इतना अमाउंट मेरे कहने पे कर दीजिए। मैडम मैं इसका मन बोल रहा हूँ और जो मेरा मन है ना वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूमने गया है तो मैडम वो उसको मैं समझाऊं कैसे आने को दो। सुन लीजिए सर अभी आपने अपने मन से बात कराई, अभी 2 मिनट में आपका मन घूमने भी चला। नहीं मैडम मैडम आप समझी नहीं, मैडम समझी नहीं आप क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। मैडम मैं ना मैं इसका मन ही बोल रहा हूँ तो मैं जो इसका मन हूँ ना मेरा भी एक मन है तो मैडम मेरा जो मन है ना वो घूमने चला गया गर्लफ्रेंड के साथ तो मैडम उससे कहाँ उसे मनाऊँ। पहले मैडम वो आएगा फिर उससे मैं बातचीत करता हूँ, हम तीनों बैठेंगे, मैं वो सॉरी यानी ये जो मेरी बॉडी है ना ये बैठेगी, मैं इसका मन बैठूंगा, मेरा मन बैठेगा, फिर इस पर डिस्कस करेंगे फिर बताएंगे। तो सर कब तक वो हो जाएगी डिस्कस आपकी? मैडम ये डिस्कस मैडम आने तो दो, अभी गर्लफ्रेंड के साथ छेंछ भैया करने गया उसको, आने तो दो यहाँ पे। तो कितना टाइम लग जाएगा सर? मैडम हो सकता है 1-2 घंटे में आ जाए। तो सर आप देखिए मैं आपको फिर कितनी देर में कॉल बैक कर लूँ? मैडम आप 1-2 घंटे में कॉल बैक कर लेना, मैं उसको बिठाऊंगा और अपने इसको बॉडी को बिठाऊंगा, तीनों ना डिस्कस करेंगे यानी ये और इसका मन यानी मैं और फिर मेरा मन तीनों बैठ के डिस्कस करेंगे। ठीक है सर, तो मैं आपको ना अगेन 1 घंटे में कॉल बैक कर लेती हूँ। अभी आपको आप मुझे बता दीजिए कि मैं आपको एग्जैक्ट कितने बजे कॉल बैक करूँ, मैं उसी टाइम आपको कॉल करूंगी। मैडम एग्जैक्ट आप कर लेना 3 PM। हाँ मैडम 3 PM तक मैं मीटिंग कर लूंगा और उसको भी खाना खिला दूंगा अपने मन को और अपने ये जो शरीर है ना यानी ये और इसका मैं मन और मेरा मन तीनों को खाना खिला के फिर डिस्कस करेंगे। ठीक है सर, तो कोई इशू नहीं, मैं आपको 3 बजे कॉल कर लेती हूँ और मैं होप यही करूंगी कि कॉल डिस्कनेक्ट करने के से पहले कि जब मैं अगली कॉल करूँ तो आप मुझे ये कह दे कि आपके कहने पे मैं अपना 122 रुपए का अमाउंट पे कर रहा हूँ। मैडम मैं तो इसका मन बोल रहा हूँ, बाकी मेरे मन ने अगर ना कर दी तो मैं और ये मैडम हाथ आगे करेंगे नहीं पीछे कर लेंगे। क्या कह रहे हैं सर? मैडम मैं इसका मन बोल रहा हूँ, अगर मेरे मन ने हाँ कर दी तो मैं और ये हाथ आगे कर देंगे और मेरे मन ने यानी इसके मन के मन ने ना कर दी तो हाथ पीछे कर लेंगे। सर मैं भी समझ पा रही हूँ कि आपका मन मान जाएगा क्योंकि इतनी देर अगर आप मुझसे बात कर रहे हो और आपको मेरी बात की वैल्यू है तो मैडम आप ना आपको आप मैं जो है ना मैं और मेरा मन और मेरे मन का मन वो तो मेरे मन का मन यानी मैं इसका मन हूँ और जो मेरा मन है ना वो गर्लफ्रेंड के साथ घूमने गया, अगर वो यहाँ पे होता ना तो मैं सॉरी ये और इसका मन यानी मैं और मेरा मन तीनों मिलकर बात करते हैं, लड़कियों से तो खासकर बात करते हैं। ठीक है सर कोई इशू नहीं है, ठीक है कोई इशू नहीं, मैं आपको अगेन कॉल कर लेती हूँ 3 बजे, प्लीज आप मुझे अपडेट दे रहे मैम। ठीक है सर, ओके मैडम जी। मैडम मैं और मतलब मैडम इसका मन और इसकी तरफ से आपको बाय बाय। दोस्तों आइए साथ मिलकर अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ते हैं। ये जो रिकवरी एजेंसियां हैं, रिकवरी एजेंट हैं या फिर यूं कहूं कि बैंक और NBFC हैं जो हमारे अधिकारों को कुचलकर रिकवरी करते हैं, इनसे अपने अधिकार छीनते हैं।
लड़ते हैं, अपने अधिकार मांगते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती हो तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।